नेक्स्ट टॉपिक इज नेस्टेड फंक्शन। जैसे नाम से पता लग रहा है, फंक्शन इनसाइड द फंक्शन, इस तरीके से। अब देखिए, यहां पर आपने एक फंक्शन डिफाइन किया, कहां पर? फंक्शन के अंदर। हां, ये पॉसिबल है, लेकिन आप इस फंक्शन को कहां यूज कर सकते हैं? सिर्फ इस फंक्शन के अंदर ही आप इसे कॉल कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने इस आउटर फंक्शन के अंदर ये फंक्शन डिफाइन किया, ऐसा हो सकता है ये इनर फंक्शन जो है ये कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहा हो, और ऐसा भी हो सकता है ये वैल्यू रिटर्न ना करे। आउटर फंक्शन भी ऐसा हो सकता है कुछ वैल्यू रिटर्न करे, और ऐसा भी हो सकता है ये कुछ वैल्यू रिटर्न ना करे। लेकिन मान लीजिए ये रिटर्न कर रहे हैं अभी, तो ये जो फंक्शन मैंने डिफाइन किया है, इसकी कॉलिंग कहां हो सकती है? इसके रिटर्न होने से पहले पहले यहां पर आप इस तरीके से कभी भी इसे कॉल कर सकते हैं, डिफाइन होने के बाद। डिफाइन होने से पहले तो कॉल कर ही नहीं सकते, राइट? तो इस तरीके के फंक्शन को कहते हैं हम नेस्टेड फंक्शन। कैसे यूज करेंगे, कैसे कॉल होगा ये? अब देखिए, हम क्या करेंगे, हम आउटर फंक्शन को कॉल करेंगे। जैसे ही आउटर फंक्शन कॉल होगा तो क्या होगा, उसके बाद ये फंक्शन डिफाइन होगा हीप मेमोरी में, राइट? अब हीप मेमोरी में आ चुका है, इसके बाद आप इसे कॉल करेंगे। अब इनर फंक्शन कॉल होगा, आउटपुट इस तरीके से देगा। इसके बाद आउटर फंक्शन जो है अगर कुछ और काम कर रहा है तो वो करेगा, अदरवाइज रिटर्न होकर के वापस कंट्रोल यहां पर आ जाएगा। अगर ये कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो स्टोर कराएंगे और फिर प्रिंट करा देंगे, या डायरेक्टली प्रिंट स्टेटमेंट में भी दे सकते हैं, या फिर अगर रिटर्न नहीं कर रहा तो जो भी इसने टास्क परफॉर्म किया होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब आगे मूव करते हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि क्या इस इनर फंक्शन को हम बाहर कहीं कॉल नहीं कर सकते, इस आउटर फंक्शन से बाहर? बिल्कुल कॉल कर सकते हैं। कैसे कॉल करेंगे, आइए देखते हैं। हमें पता है आउटर फंक्शन कुछ भी रिटर्न कर सकता है, यस और नो? तो इसका मतलब अगर इनर फंक्शन ऑब्जेक्ट है तो यानी इस ऑब्जेक्ट का आईडी भी रिटर्न हो सकता है, यस और नो? कैसे रिटर्न होगा, हम फिर यहां पर लिखेंगे फंक्शन का नाम, राउंड ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, क्योंकि राउंड ब्रैकेट लगा दी तो क्या होगा, कॉल हो जाएगा, और कॉल हो जाएगा तो फिर जो इनर फंक्शन रिटर्न कर रहा होगा फिर तो ये वो रिटर्न करेगा। तो हमें कॉल नहीं करना, हमें क्या है, इस ऑब्जेक्ट का आईडी रिटर्न कराना है, तो हम राउंड ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, सिर्फ फंक्शन का नाम यहां पर लिखेंगे। अब होगा क्या, जैसे ही आउटर फंक्शन कॉल करेंगे तो ये रिटर्न करेगा इनर फंक्शन का आईडी। आपके पास आईडी मिल गया, किसी रेफरेंस वेरिएबल में स्टोर करा लीजिए। अब अगर आपने यहां से कॉल किया इस तरीके से, तो ये क्या कॉल करेगा, फिर ये इनर फंक्शन को कॉल करेगा, क्योंकि इसके पास आईडी इसी वाले फंक्शन का है। तो इस तरीके से आप बाहर भी इस फंक्शन को कॉल कर सकते।